हेलो दोस्तों, सो दो तीन महीने के बाद फाइनली मुझे मौका मिल गया मेरी कॉन्टिनेंटल GT650 के ब्रेक पैड्स चेंज करवाने का। अगस्त में मैं इस गाड़ी को लेकर गया था 2000 किलोमीटर की मुंबई पुणे वाली ट्रिप पर, और सोलो राइड करते हुए मैंने लंबा ट्रिप किया और बहुत ज़्यादा एंजॉय भी किया, व्लॉग्स भी शेयर किए थे, बारिश भी हो रही थी, बहुत मज़ा आया था, बहुत प्रोटेक्टेड फील हुआ था, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस गाड़ी का मिला था, ब्रेकिंग वगैरह सब सही थी। बट पुणे से मुंबई जाते वक्त बीच में मुझे रियर ब्रेक का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कमजोर महसूस हुआ, तो थोड़ा सा ना कंसर्न हुआ था लो स्पीड पर। हाई स्पीड पर तो हम इंजन ब्रेकिंग से काम कर लेते हैं, बट लो स्पीड पर जो है वो रियर ब्रेक बहुत ज़्यादा काम आता है, तो उसका इफेक्टिवनेस काफ़ी कम था। वापस आने के बाद में मैंने एक बार टायर पंक्चर करवाया RSA की मदद से, तब मुझे सर्विस सेंटर के वर्कर्स ने बताया था कि इसका ब्रेक फ्लूड और ब्रेक पैड दोनों खराब हो गए हैं। तो अब मैंने पहले ब्रेक फ्लूड तो तुरंत चेंज करवा लिया था, बट ब्रेक पैड जो है वो चेंज करवाने के लिए मैंने टाइम लग गया, और वो मैं अभी जाके टाइम मिला तो मैंने चेंज करवाए। और ब्रेम्बो के जो ब्रेक पैड थे ओरिजिनल, वो लगभग 2500 रुपये मैंने चेंज करवा दिए हैं लेबर कॉस्ट के साथ में, और उसके बाद में परफॉर्मेंस वगैरह मैं इन्जॉय कर रहा हूँ। अब मैं अच्छे मोटो व्लॉगिंग वगैरह करते हुए अच्छी अच्छी चीज़ों की वीडियोज़ आपको शेयर कर सकूँगा। तो आज प्रोसेस देख लो, जो हमारे नए ब्रेम्बो के ब्रेक पैड वो लग रहे हैं गाड़ी के अंदर, और इनका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा जो घस गए ब्रेक पैड्स उसके सामने। आप थिकनेस भी कम मेजर करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। ये देख लो, पहले वाला जो डार्क कलर का है, ब्लैक कलर का, वो बहुत ज़्यादा पतला हो चुका है, और जो नए गोल्डन वाले हैं वो ज़्यादा थोड़े थिक हैं। सिरेमिक वाले ब्रेक पैड्स नहीं हैं, तो अभी काफ़ी लंबे चलेंगे, मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार किलोमीटर और चल जाना चाहिए। पहले वाले जो स्टॉक ब्रेक पैड्स थे वो लगभग 5,500 किलोमीटर हमने चला लिए। नए वाले जो ब्रेक पैड्स हैं वो मुझे उम्मीद है कि आप 10,000 किलोमीटर के बाद ही बदलने पड़े, या उससे भी ज़्यादा लंबा चल जाए तो अच्छा है। क्योंकि पहले शुरू में तो मैं ब्रेक्स यूज़ करता था, रियर ब्रेक्स, लेकिन जैसे जैसे मैं सीखता गया, गाड़ी के साथ प्रैक्टिस हुई, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ब्रेक से ज़्यादा रिलायबल तो इंजन ब्रेकिंग है इस गाड़ी में। तो मैंने अब रियर ब्रेक और फ्रंट ब्रेक के अलावा इंजन ब्रेकिंग के हिसाब से ज़्यादा स्लो करना शुरू किया है जब मैं हाई स्पीड पर चलता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली ब्रेक पैड्स चेंज हो गए, हमने चेन को भी लुब्रिकेट कर दिया है, और ये जो सर्विस सेंटर है नागपुर का, ये उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी सर्विस मिली और बहुत अच्छी हेल्प भी की, कोऑर्डिनेट किया, और थोड़ी सी टिप्स भी दे दिए गाड़ी की इंजन लाइफ और जो ब्रेक्स की लाइफ है उसको और एनहांस करने के लिए। मैं आपको आगे अपने ब्लॉग में वो सब चीज़ें भी बताता रहूँगा। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पारस पैरागॉन सर्विस सेंटर इन नागपुर। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।